लगान, गंगाजल और मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी सुपरहिट फिल्में कर चुकी अभिनेत्री ग्रेसी सिंह अब बॉलीवुड से गायब हो चुकी हैं। 15 जून को उनकी पहली फिल्म लगान के 20 साल हुए। इस दौरान आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर की तो खूब चर्चा हुई, लेकिन ग्रेसी को किसी ने याद नहीं किया। 41 साल की ग्रेसी सिंह अब धार्मिक सीरियल में काम कर रही हैं। वहीं अब तक उन्होंने शादी भी नहीं की है। ग्रेसी सिंह ने अपनी शादी को लेकर कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो 2022 में शादी कर लेंगी। ग्रेसी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अभी शादी का सही समय है, शायद एक साल बाद हो। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह साल 2022 में अपने मिस्टर राइट के साथ शादी करके सेटल हो सकती हैं। ग्रेसी सिंह में वो सब क्वालिटीज हैं जो एक हीरोइन में होनी चाहिए, सुंदर, शालीन, टैलेंटेड, मेहनती। लेकिन उनकी एक दो फिल्में फ्लॉप क्या हुई, काम मिलना बंद हो गया। साल 2001 से साल 2008 के बीच करीना, रानी मुखर्जी, ऐश्वर्या राय और प्रीति जिंटा टॉप पर थी। इन सब के बीच ग्रेसी को किसी ने नहीं पूछा। जैसे ही उनकी एक फिल्म फ्लॉप हुई, उनके पास ऑफर आने लगभग बंद हो गए थे। धीरे धीरे ग्रेसी सिंह का करियर बी ग्रेड फिल्मों से टीवी पर आकर रुक गया। कहा जाता है कि ग्रेसी भी नेपोटिज्म का शिकार हो गई, जिसके चलते वो बॉलीवुड से गुमनाम हो गई। 2008 में उन्होंने कमाल आर खान यानी केआरके की फिल्म देशद्रोही तक में काम किया। फिल्मों में गुंजाइश न देखते हुए ग्रेसी सिंह ने बॉलीवुड से दूरी बना ली और टीवी की दुनिया में एंट्री की। जय संतोषी माँ सीरियल में उन्होंने काम किया। ग्रेसी सिंह अचानक बॉलीवुड से गायब क्यों हो गए, इस बारे में उन्होंने बात की थी। एक्ट्रेस ने कहा था, मैंने 7 से 8 साल फिल्मों में काम किया, इसमें भी ज्यादातर रीजनल फिल्में थी, मेरी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं रही। दिक्कतें तब शुरू होती हैं जब आपकी कुछ उम्मीदें होती हैं। मैं हमेशा वर्तमान में रहती हूँ। मैंने 2 बड़ी फिल्में लगान और मुन्ना भाई एमबीबीएस की और मुझे मालूम था कि ये बड़े स्तर पर काम करेंगी और लंबे समय तक याद की जाएंगी। इस दौरान ग्रेसी ने यह भी बताया था कि काम के लिए फिल्म मेकर्स को कॉल नहीं करती हैं। एक्ट्रेस के मुताबिक, मेरे मैनेजर जोशी जी ये काम करते हैं, वे लगातार फोन लगाते थे ताकि मुझे प्रोजेक्ट्स मिल जाएं। 2008 में उनका निधन हो गया। उसके बाद मैंने फिल्म मेकर को ज्यादा कॉल नहीं किए, मेरे पास कॉन्टेक्ट भी नहीं थे। वही बॉलीवुड में असफलता के बाद ग्रेसी ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गई हैं। बता दें कि ग्रेसी भरतनाट्यम डांसर भी रही हैं। ग्रेसी सिंह हर साल ब्रह्मा कुमारी जाती हैं। वहां आयोजित होने वाले अध्यात्म कार्यक्रमों से जुड़ती हैं। कई बार वहां होने वाले समारोह में भरतनाट्यम डांस करती हैं। अध्यात्म से ग्रेसी सिंह का जुड़ाव ही कुछ इस कदर हुआ कि कभी उन्हें इस वजह से अपनी शादी करने का विचार नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।